बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह दे फजल करम ते शुक्र दे नाल अज दी वीडियो दा आगाज़ कर रहे हैं। अज असा मौजूद हैं अपने खाल दे अपनी जमीन दे विच, जिहड़ा खाल है नहरी पानी दा उत्थे मौजूद हैं, जिहड़ा सरकारी खाल सानूं दित्ता गया है। और जट्टां दे बड़े मसाइल हैं, उन्हां दी कुछ वजूहात सारी वजह तो हैं, कुछ साफ जाहिर है कि खाल पक्का हो वञिया ते ओह साडे वास्ते बेहतर हो वञिया, ते उहदे वास्ते भी काम जारी है। तो जिहड़े मसाइल हैं जट्टां दे ओह असां आप ही रल के हल करने, इहदे वास्ते एक मीटिंग भी मुनक्कद की गई है और इंशाल्लाह ये हल भी होवे सी। उस तो पहले असां जट भीरां नूं अपनी गलतियां कुताइयां दी जरा झलक दिखाना चाहते हैं। तो उहदे ये जगह देखो जी, इत्थे भी पहले एक नक्का आई जिथों पानी का इनखला हुंदा, जिथों पानी बाहर निकलता आई और ये खेतों नूं सराब करेंदा आई, लेकिन सैड तो मट्टी ना होने की वजह तो वह नक्का जिहड़ा है इथों पानी दा इखराज होंदा ही वह बह गया, जिंद वजह तो बहुत नुकसान होया और अगले किसान भाइयों नूं पानी भी ना। दूजे किसान भीरां साढ़े ये गलती कर रहे हैं कि खाल दी ना मणा दे उत्ते दरख्त ला रहे हैं, और जिवें ये जड़ां मजबूत होनियां तले अपनी जगह बड़े उन्हां दी वजह तो पानी जिहड़ा वह सिमना शुरू हो जांदा दूजी साइडां ते खाल दू, इन्हां दे भी नुकसान होंदा है। और पटड़ी 8 फुट होंदी है, लेकिन असां इत्थे 2 फुट ही कैन ही दित्ती हुई, तकरीबन 3 फुट इत्थे और इस साइड तो भी 2-3 फुट है, जिंद वजह तो पानी का बहुत नुकसान होंदा है। ये देख लो ये कच्चे नक्कियां का इो घाटा होंदा है, ये देखो ये पानी चलता भी है, हले भी हले वो बंद करके गया उस दिन, लेकिन ये पानी ज़ाया आता भी है। दूजा ये देते पे उसको कि मेन सरकारी खाल के उत्ते टुक लाए हुए असा पानी थाऊ ला रहे हैं, हालांकि सारे खाले मंजूर होने सैडा तो, और ये बड़ा नुकसान करे ने जो पानी का फ्लो ज़्यादा आता है तो ये मट्टी चाह पी है, जिंदा तो पानी मजीद ज़ाया हो पाता है। एक सारा ये मसला है। दूजा ये ढक्कन, ये ढक्कन मेरा ख्याल है मैं 3-4 लै के रखे हुए हैं तो वह सारे चव गए, चोरी चव गए हैं। तो ये देखो इन भी पानी ज़ाया होता भी है, ये कच्चे खाल होने की ये टोल हैं कि पानी ज़ाया हो पाता है। ये किसान भाइयों इधर देखो ये हर नक्का लीक है और पानी इतना अपना ज़ाया हो पाता है, अगर हूँ भी आप रल मिल के कोई ना सोचा तो वाला अपना अल्लाह ही हाफिज़ जीवे। असा इस बारे तमाम किसान भाइयों को गाइडेंस हूँ, मेहरबानी करो। ये जगह देखो जी, इत्थे भी पहले एक नक्का आई जिथों पानी का इनखला हुंदा, जिथों पानी बाहर निकलता आई और ये खेतों नूं सराब करेंदा आई, लेकिन सैड तो मट्टी ना होने की वजह तो वह नक्का जिहड़ा है इथों पानी का इखराज हुंदा ही वह बह गया, जिंदी वजह तो बहुत नुकसान होया और अगले किसान भाइयों नूं पानी भी ना। ये सारा खाल वहिंदा भी है, इत्थे पानी का फ्लो देखो कि कितना ज़्यादा है और जिवें जिवें आप पिछों आए पानी नज़र आता पिया है कि कितना कम होता वहिंदा है। तो उतरे लाड़ा लैंदा ब्राह्मण का किसान का ये खाल है, जे इन्हें भी पैसे कट्ठे किए हुए तो देखो करण ते करीना दा काम शुरू होंदा है। मजीद साडी टैलां अगे ओ वी तां लिखे सूं ते खाल किवें मंजूर कराया गया, पहले असां 13 चाके चू ये पानी लैंदे असे ते ओ सानू 14 चाकरां को बहुत जलील करे इन्हां, ये पुली भी टूटी पई है, इन्हे बारे भी कोई सोचे सूं इंशाल्लाह ते सोचना चाहिए। ये साडा खाल ही वे जी, ये गंद इतना ज़्यादा है कि पानी अगां इखराज ही नहीं आउंदा, पानी का सारा पिछा रुक पैंदा है, जिंदी वजह तो ये रोले पै ये अद्धा पानी तो इतना रुका खड़ा है इस पुली की वजह तो, ये देखो पिछू फ्लो ज़्यादा है इतने आके तो ये पानी रुक पैंदा है। तो इंशाल्लाह असं रल मिल के इस खाल नूं बढ़ावण की कोशिश करूँ तो बहुत जल्द काम होवे सी इंशाल्लाह, जिंदे वास्ते तमाम भाइयों को रल मिल के काम करना पौ सी, तो उम्मीद करें कि असं जरूर करे सूँ जी। किसान भाइयों ये मसाइल कुछ जोड़े मैं कैप्चर किए ने तौरे अगू रख दिते गए, तो मजीद भी ये जड़ा है इन्हें नुकसान ये कोई नुकसान नहीं, इस तो इलावा भी अगर खाल मुकम्मल त्रुट वजे तो कें साइड से अगर नीवी जमीन चला वजे तो तकरीबन 1 हफ्ते का तकरीबन असा 1 लाख तो लैके 1,40,000 का पानी असा ज़ाय कर देने, क्योंकि सारे को बै सोर्सिस कह नहीं भी है खाल कह नहीं कें साइड तो नहीं पानी वह, तो उस तो अलावा अगर सारा मेन रजवा है जोड़ा है वह त्रुट वजे तो 3 खालें पानी 3 टैलें वह, अगर उनका हिसाब लाया वजे तकरीबन 4.5-5 लाख का पानी असं सिर्फ 1 हफ्ते के ज़ाया कर देने और असं टूबलैम भी चले वो भी साढ़े इजाफी बोझ पै पाता है। तो इस वास्ते हूँ सानू चाहिए कि असं
इस बारे मुस्तकबिल के बारे सोचा वजे ताकि सारी असा तो जो जलील हो गए हैं सारी आने वाले नस्लों जलील ना होन तो उनके वास्ते असं हुकूमत ने पंजाब नाल भी राबता किया है। ये ओवरऑल किसान पूरे पंजाब के किसान वास्ते ये राय है कि तुसा सारे तो असल नाल असं जो मालूम लेने तुम तक शेयर भी करें कि हुकूमत पंजाब अगर तुहाडे खाल ते जितना भी डिस्टेंस है उन्हें ते अगर 20 लाख रुपया खर्चा है तो 50% हुकूमत पंजाब सागू दे सी उन्हें वास्ते असं मिल के एक अपनी कमेटी बनाई वजे पर एकड़ जितने भी 4000 रुपये इकट्ठे करके वो एक खजाने जमा कराए वजन और एक हुकूमत पंजाब एक अकाउंट दे सी वो जो मुश्तरक अकाउंट से तुहाडा मैंबर से हुकूमत पंजाब का भी अकाउंट मुश्तरक खुल सी उन्हें बाद उन्होंने इंजीनियर आके सर्वे वगैरह भी करे सी ते ए जड़ा खाल तकरीबन 50% दे तौक वो बना के दे सन। ते मेरी गुजारिश है तमाम भाइयों साडे लाड़ा वाले भी तो ओवरऑल पंजाब दे विच भी जिन्हां दे खाल कच्चे वो इस ते जरूर सोचन और अपने आमणा नस्लों वास्ते सोचो ताकि तुसां ए जड़ा है इस तो फायदा उठा सको इस स्कीम तो और आमणा पहले ये स्कीम जी है 20% दे आई हुण 50% दे होगी और मजीद अगे वे के थोड़ी महंगी भी हो सी यानी कि 70% तो वैसे उस तो पहले सानू चाहिए हुकूमत ते पाकिस्तान नाल तावन करके उन्होंने तावन नाल असं ये कर काम करा सकूँ अपनी आवन वाली नस्लों को जड़ा है ना सुधार सकूँ। बस इतना ही आज की वीडियो मेरा ख्याल है कि इतनी मालूमात वीडियो काफ़ी है तो उम्मीद करें ना कि तुमको मेरी वीडियो पसंद आई हो सी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो मलिक नवीद रमज़ान और बैल आइकन का बटन जरूर दबाए ताकि मेरी हर आवन वाली वीडियो तक पहुँच सके।